भारतीय जनता पार्टी के सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में जोश भरने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंच से सभी प्रत्याशियों को माला पहनाकर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। वहीं इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे नहीं हुई उपस्थित। भाजपा द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने दुर्ग के पुरानी गंज मंडी में परिवर्तन संकल्प महासभा और नामांकन रैली कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्णिया बिहार के विधायक विजय खेमका, जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा सहित सभी विधानसभा प्रत्याशी उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री ने अपने संबोधन में भूतपूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल की तुलना की। पहला टीका कब लगेगा, दूसरा कब लगेगा, और भारत का टीका बना हुआ। देखिए, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। और एक तरफ भूपेश बाबू है, हम किसानों का कर जल्दी माफ कर देंगे। अरे भैया, 5 साल क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को इतना मूर्ख समझते हो? तो फिर मुझे एक कहानी याद आती है, कांग्रेसी भी कमाल करते हैं। आपने कहा सड़क बनवा दिएगा, बन जाएगी, 5 साल हो गया, कहा सड़क कहाँ बनी है? कहा देखो, चूना छीट रहे हैं ना, तो मतलब सड़क की नापी हो रही है। फिर वोट दे दिया, फिर 5 साल गुजर गया, भाई सड़क कहाँ बनी, देखो ईटा गिर गया है ना, इस बार वोट दे दो, फिर बनवा देंगे। नरेंद्र मोदी करके भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। लाल चौक पर जहां पहले पाकिस्तान का झंडा लहरता था, आज वहां लहरता है कोमल प्रभु राम की जय हो। पास जाते हैं रक्षा बंधन में, हमें भी कलाई पर राखी बांधते हैं। ये बदलाव करके दिखाया ना, और जो पाकिस्तान से टून टून होता है तो उनकी पिटाई भी कसकर करते हैं, घर में घुस कर मारते हैं। और पाकिस्तान ठंडा है, क्रिकेट में भी पिट रहा है, आतंकवाद में भी पिट रहा है, भारत से तो पिट रहा है, अफगानिस्तान से भी पिट रहा है, देख रहे हैं आप। आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नेता बने। आज मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। हमारी बहनें बैठी हैं, 3 तलाक का बिल पास हुआ कि नहीं हुआ, कितना विरोध किया था? आपके आशीर्वाद से देश के कानून मंत्री के रूप में वो बिल संसद लाने का अवसर मुझे दिया था प्रधानमंत्री। आज इतने लोग मोबाइल से मेरे भाषण को रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रेस वाले भी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोरोना काल में आपको टीका लगा था ना, मुफ्त लगा था ना, आपको टीका कहाँ लगेगा इसकी सूचना कहाँ से आती थी, याद है आपको? देखिए, उन्होंने कहा मोबाइल पर। भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन है, 80 करोड़ स्मार्टफोन है, ये मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है। साथ ही नरेंद्र मोदी को दुनिया का बड़ा नेता बताते हुए 3 तलाक का बिल वापस कराने की बात कही, तो वही कहा कोरोना काल का टीका मुफ्त लगा है, जिसकी सूचना मोबाइल से आती है, ये मोदी जी की उपलब्धि है। वहीं भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का कर्ज माफ कर देने की बात करने वाले 5 साल क्या करते रहे। साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार घोषणा करती है और करके दिखाती है। साथ ही उन्होंने विजय बाबू यानी विजय बघेल को ताल ठोक जिताने की बात कही। मैं छत्तीसगढ़ को जानता हूँ, यहाँ मैंने काम किया, यहाँ की हवा को मैं पहचानता हूँ। जब मैंने कहा है तो कहा है, यहाँ की सारी सीटें जीतेंगे, और आपके सम्माननीय मुख्यमंत्री विजय बाबू से निश्चित रूप से पराजित। जवाब हमें नहीं देना, जवाब उनको देना है, सवाल तो हमें छोड़ दिया। सनातन का अपमान होता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी और भूपेश बघेल खामोश रहते हैं, ये ठीक नहीं। देखिए, मुझे ईडी के बारे में एक ही बात कहनी है, क्या मुख्यमंत्री के सहयोगी पदाधिकारियों को बेल मिला, जेल में है कि नहीं? कोर्ट तो कई बार गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह गए। आप कोर्ट जाइए, क्यों नहीं बेल मिलता? क्योंकि आपके खिलाफ गंभीर साक्ष्य। तो आप लूटिएगा, आप जनता को भ्रष्टाचार में परेशान करेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो,
और राजस्थान में वहाँ लूट कम हुई है क्या? हर जगह हो रहा तो नहीं होगा, कई लोग के खिलाफ हो रहा है। अब भूपेश बघेल सीएम के फेस हैं क्या? नहीं, छत्तीसगढ़ भाजपा। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भूपेश बघेल को क्या सीएम के रूप में कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया है? मैंने तो नहीं देखा। जी नहीं, हमने कहा पार्टी जीत के बाद पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा और योग्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे यहाँ योग्यों की कमी नहीं है। आज दुर्ग राजस्व जिला, भारतीय जनता पार्टी के दो संगठन जिले, दुर्ग संगठन जिला और भिलाई जिला के 6 प्रत्याशी जिनका नामांकन दुर्ग में होता है। वैसे ईश्वर साहू जी का भी क्षेत्र आता है, लेकिन उनका मुख्यालय चूंकि बेमेतरा होने के नाते उसका नामांकन बेमेतरा में होता है। तो हमारे जो 6 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी पाटन विधानसभा से विजय बघेल जी, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर जी, भिलाई से प्रेम प्रकाश पांडे जी, और वैशाली नगर से रिकेश सेन जी, अहिवारा से डोमन लाल कोसेवाड़ा जी और दुर्ग से गजेंद्र यादव जी, इन सभी का सामूहिक नामांकन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, प्रखर वक्ता, विधि के विशेषज्ञ आदरणीय रविशंकर जी आए थे, और सारे लोग थे। हमारे पूर्व मंत्री रामशीला साहू जी थी, पूर्व मंत्री जागेश्वर साहू जी थे, बिहार से हमारे जो संभाग के प्रभारी झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राय जी थे, हमारे जिले के बिहार के जो जिले के प्रभारी देख रहे हैं विजय खेमका जी वो थे। उसके अतिरिक्त हमारे 6 विधानसभा के चुनाव संचालक, 6 विधानसभा के संयोजक, 6 विधानसभा के प्रभारी, 6 विधानसभा के विस्तारक के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र पदाधिकारी और बूथ कमेटी के अध्यक्ष सहित जो बूथ के जो प्राथमिक सदस्य हैं, ऐसे सारे लोग उपस्थित हुए थे। हाँ, बहन सरोज पांडे जी को आना था, लेकिन मैंने उनसे व्यक्तिगत बात किया था तो कहीं अन्य जगह प्रवास है भाई साहब करके बताई थी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।